हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 7 की कहानी गैंग्रीन का कथा वाचन किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है, आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम गैंग्रीन कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। अज्ञेय मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के कहानीकार हैं। अज्ञेय की कहानियों में मध्य वर्ग, शरणार्थी, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े क्रांतिकारी एवं स्त्री पुरुष संबंधों का विशेष रूप से चित्रण हुआ है। उन्होंने मुख्य रूप से व्यक्ति की आंतरिक ऊहापोह को कहानियों का माध्यम बनाया है। उनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां निम्न है। अज्ञेय मुख्यतः कवि हैं, पर उन्होंने उपन्यास, कहानियां, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, ललित निबंध भी लिखे हैं। उनका एक नाटक भी छप चुका है जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। उनके उपन्यास 3 हैं जिनके नाम हैं शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। उनके कहानी संग्रहों के शीर्षक इस प्रकार हैं: विपत्गा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, ये तेरे प्रतिरूप। यात्रा वृतांत में अरे यायावर रहेगा यार, एक बूंद सहसा उछली। आलोचना में त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अद्यतन। संस्मरण में स्मृति लेखा। कविता संग्रह में भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे, अरियो करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक पर छाया। रोज अज्ञेय की चर्चित कहानी है, जो विपद्गा शीर्षक कहानी संकलन के पहले संस्करण में छपी थी। बाद में गैंग्रीन शीर्षक से भी विपद्गा के 5वें संस्करण में प्रकाशित हुई। इस कहानी के पात्र हैं महेश्वर, मालती, टीटी, अतिथि। इस कहानी में निहित उद्देश्य है। इस कहानी में विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता वितृष्णा की स्थिति को रेखांकित किया गया है। इस कहानी में विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी पर प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में एक ही ढर्रे की जीवन शैली का चित्रण है। स्त्री के व्यक्तित्व विकास के प्रति पति की अनास्था कोमल भावनाओं को किस प्रकार खंडित करके केवल कर्तव्य परायणता में सीमित रखना कहानी का मूल उद्देश्य है। सीमित दुनिया में बंद जीवन की छटपटाहट तथा अभाव को दूर करने की इच्छा और बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय ढूंढती स्त्री की मनस्थिति को का चित्रांकन लेखक ने बखूबी किया है। तो आइए इस कहानी की कथा वस्तु को देखते हैं। कहानी के पहले भाग में मालती द्वारा अपने भाई के औपचारिक स्वागत का उल्लेख है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है बल्कि कर्तव्य पालन की औपचारिकता अधिक है। वह अतिथि की कुशल क्षेम तक नहीं पूछती, पर उसे पंखा अवश्य झलती है, उसके प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर देती है। बचपन की बातुनी चंचल लड़की शादी के 2 वर्षों बाद इतनी बदल जाती है कि वह चुप रहने लगती है। उसका व्यक्तित्व बुद्ध सा गया है। अतिथि को उस घर के ऊपर कोई काली छाया मंडराती हुई लगती है। कहानी के पहले भाग में मालती कर्तव्य पालन की औपचारिकता पूरी करती प्रतीत होती है, पर उस कर्तव्य पालन में कोई उत्साह नहीं है जिससे उसके नीरस, उदास, यांत्रिक जीवन की ओर संकेत होता है। अतिथि से हुए उसके संवादों में भी एक उत्साहहीनता और ठंडापन है। उसका व्यवहार उसकी द्वंद्वग्रस्त मनोदशा का सूचक है। इस प्रकार कहानीकार बाह्य स्थिति और मनस्थिति के संश्लिष्ट अंकन में सफल हुआ है। रोज कहानी के दूसरे भाग में मालती की अंतर द्वंद्वग्रस्त मानसिक स्थिति, बीते बचपन की स्मृतियों में खोने से एक असंज्ञा की स्थिति, शारीरिक जड़ता और थकान का कुशल अंकन हुआ है। साथ ही उसके पति के यांत्रिक जीवन, पानी, सब्जी, नौकर आदि के अभावों का भी उल्लेख हुआ है। मालती
पति के खाने के बाद दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे ही भोजन करेगी और यह रोज का क्रम है। बच्चे का रोना, मालती का देर से भोजन करना, पानी का नियमित रूप से वक्त पर ना आना, पति का सवेरे डिस्पेंसरी जाकर दोपहर को लौटना और शाम को फिर डिस्पेंसरी में रोगियों को देखना, यह सब कुछ मालती के जीवन में रोज एक जैसा ही है। घंटा खड़कने पर समय की गिनती करना मालती के नीरस जीवन की सूचना देता है अथवा यह बताता है कि समय काटना उसके लिए कठिन हो रहा है। दूसरे भाग में मालती महेश्वर अतिथि के बहुत कम क्रियाकलापों और अत्यंत संक्षिप्त संवादों के अंकन से पात्रों की बदलती मानसिक स्थितियों को प्रस्तुत किया गया है। कहानी के तीसरे भाग में महेश्वर की यांत्रिक दिनचर्या अस्पताल के एक जैसे ठहरे रोगियों की टांग कटने या उसके मरने के नित्य चिकित्सा कर्म का पता चलता है, पर अज्ञेय का ध्यान मालती के जीवन संघर्ष को चित्रित करने पर केंद्रित है। महेश्वर और अतिथि बाहर पलंग पर बैठकर गपशप करते रहे और चांदनी रात का आनंद लेते रहे, पर मालती घर के अंदर बर्तन मांगती रही। क्यों, यही उसकी नीति थी? बच्चे का बार बार पलंग से नीचे गिर पड़ना और उस पर मालती की चिड़चिड़ी प्रतिक्रिया मानो पूछती है कि वह बच्चे को संभाले या बर्तन मिले, ये काम नारी को ही क्यों करना पड़ता है? क्या यही उसकी नियति है? इस अचानक प्रकट होने वाली जीवन इच्छा के बावजूद कहानी का मुख्य स्वर चुनौती के बजाय समझौते का और मालती की सहनशीलता का है। इसमें नारी जीवन की विषम स्थितियों का कुशल अंकन हुआ है। बच्चे का सोते सोते पलंग से गिरना उसके लिए सामान्य बात है क्योंकि रोज ऐसा होता है। बच्चे की चोटें भी मामूली बात है क्योंकि उसे चोटें रोज लगती रहती हैं। मालती के मन पर लगने वाली चोटें भी चिंता का विषय नहीं है क्योंकि वह रोज इन चोटों को सहती रहती है। रोज की ध्वनि कहानी में निरंतर गूंजती रहती है। कहानी का अंत 11 बजने की घंटा ध्वनि से होता है और तब मालती करुण स्वर में कहती है, 11 बज गए। उसका घंटे गिनना उसके जीवन की निराशा और करुण स्थिति को प्रकट करता है। आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। कहानी के दूसरे भाग में मालती की मनस्थितियों का कुशल अंकन हुआ है। अतिथि के सामने बैठी हुई मालती दूर कहीं अतीत में देख रही थी, वह वर्तमान में सांस ले रही थी पर अतीत में जी रही थी क्योंकि वह उसके लिए अधिक जीवंत और सरस था। वह अपने सुखद बचपन के सलोने क्षणों में खो गई थी। वह अतिथि को जड़वत देखती हुई अपने सुखद अतीत को लौटाने की मानो असफल कोशिश कर रही थी। इस मानसिक जड़ता को कहानीकार ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। यह मानसिक जड़ता ही उसके शरीर की जड़ता तथा उसकी अनंत थकान में रूपांतरित हो गई। घर के बाहर एक भरा पूरा संसार है लेकिन वहां उसकी कोई भागीदारी नहीं। दिमाग में निर्बाध बचपन और अलमस्त जीवन की स्मृतियां हैं लेकिन अब जैसे वे गुजरे जमाने की बात हो गई हो। वह उन्हें याद करना चाहती है लेकिन वे इतनी अप्रासंगिक हो गई है कि स्वयं घबराकर अपने पैर पीछे खींच लेती है, मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौप डाल दिया गया हो। वह उसे उतार फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। घर के कामकाज और पति की प्रतीक्षा के बीच पसरे अकेलेपन को भरने के लिए उसके पास भविष्य की एक भी योजना नहीं। मानो घड़ी की सुइयों के साथ वक्त की निरर्थक परिक्रमा करते करते वह हाँप गई हो। अतिथि को तो मालती के घर में कई वर्षों बाद कुछ समय के लिए आया है, पर अतिथि को लगता है कि उस घर पर कोई काली छाया मंडरा रही है। उसे अनुभव होता है कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। लगता है कि अतिथि भी उस काली छाया का शिकार हो गया है जो उस घर पर मंडरा रही है।
कहानी के इस स्थल पर मालती के अंतर्द्वंद के साथ अतिथि का अंतर्द्वंद भी चित्रित हुआ है। उस घर की जड़ता, नीरसता, उबाहट ने जैसे अनाम अतिथि को भी आच्छादित कर लिया है। आशा करती हूँ कि मेरा छोटा सा प्रयास आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएं।